हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप बालकनी गार्डन करते हैं, बालकनी में अगर आप पौधा लगाते हैं तो आप इस तरीके से लगाएं, आपकी बालकनी में वजन भी नहीं होगा और फिर आपके पास ढेर सारे पेड़ पौधे हो जाएंगे। देखो, वो छोटे से डिब्बे में भी लगा रखा है मैंने। घर में जो पेंट का बोतल निकलता है वही बोतल है, यानी डिब्बा है वो। तो देखो कितना अच्छा से ग्रो कर रहा है ना उसमें भी, ये देखो। और ये देखो, ये जो गमले में लाई हूँ ये छत के लिए लाई हूँ, ये मैं छत पे पौधा लगाऊंगी। इसमें सर्दियों के पौधे इसमें लगाऊंगी, पिटूनिया, फ्लॉक्स, फैंजी, डहेलिया, ये सब लगाऊंगी। और देखो, ये अगर आप बालकनी में लगाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो पूरा देखना आप। देखो ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ये देखो, ये मनी प्लांट है, कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसे पोथोक्स भी बोलते हैं। तो ऐसे आप लगा लो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा जगह हो तभी आप पौधा लगा सकते हो, नहीं, आप ऐसे भी लगा लो। ये देखो लग चुका है इसमें, बहुत पहले लगाई थी। देखो मिट्टी सूख भी रही है इसकी, ये देखो। और ये पौधा की देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, ये कितना बड़ा है आप खुद सोचो। अब आप देखो, ये जो है ये नीचे का हिस्सा है बोतल का और ये ऊपर का हिस्सा है, मैंने दोनों में लगा दिया और दोनों में पौधा देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। देखो ये मनी प्लांट कितना अच्छा हो रहा है ना। तो ऐसे ही लगा लो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा जगह हो, बहुत सारे गमले के लिए पैसे हों तभी हमारे पौधे लगेंगे, नहीं, हमारे पौधे लग जाएंगे अगर हम चाहेंगे तो। हम डिब्बे बोतल में भी हम लगा सकते हैं। अब ये देखो, ये प्लास्टिक का बोतल है, आप खुद देखो, होल कर रखी हूँ मैंने इसमें नीचे, होल ज़रूर कर देना, अगर नहीं करोगे तो आपका पौधा सड़ जाएगा, क्योंकि पानी निकलना बहुत ज़रूरी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे से निकल जाता है। आप खुद देखो क्या मैंने इसमें किया है, कुछ किया है, ये पौधा लग चुका है। देखो इसकी मिट्टी सूख रही है एकदम। तो ऐसे ही लगाओ आप पौधा, ये बहुत अच्छा है, इसी तरीके से लगाओ। और इसे कहीं भी रेलिंग पे हैंग कर दो, इसमें भी देखो छेद है, होल ज़रूर कर लेना। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना मनी प्लांट, और ग्रो हो रहा है आराम से। पहचान ये है ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो ये नई नई लीव्स निकल रहे हैं, ये देखो, इन पत्तों से पहचान जाओ आप कि ये ग्रोथ कर रहा है, ये देखो, इससे पता लग जाता है। और कितना छोटा सा है, देखो ये साइड में मैंने कट किया है और कट करके दोनों तरफ से लगा दी हूँ, और मैं इसको टांग देती हूँ, ऐसे करके ऐसे टांग देती हूँ। तो रेलिंग पे आप टांग दो, अगर आपके पास कम जगह है तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। ऐसे आप पौधा लगाओ, कितनी अच्छी बात है। इस पर पेंट कर दो या ऐसे ही लगा लो, मर्जी है आपकी, मैं तो वैसे भी लगा रखी हूँ, पेंट भी कर रखी हूँ। और देखो इसमें मैंने लगाया था, इसका वीडियो मैंने शेयर भी किया हुआ है, देखो इसमें लगाया हुआ था, देखो ये लग चुकी है, आप खुद देखो, ये देखो न्यू ब्रांच निकल रहा है, ये देखो, ये दिख रहा ना, ये लीव्स निकल रहे हैं। तो पौधा मेरा ये लग चुका है, और ये भी देखो कितना बड़ा हो गया, पहले वीडियो में देखोगे आप ये छोटे छोटे से हैं, अब देखो ये कितने बड़े हो रहे हैं, ये भी कितने बड़े हो गए मेरे। तो ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ मुझे लगाए, और देखो कितना अच्छा हो रहा है, ये हो गया होगा एक महीना तो हो गया होगा। ये हैंगिंग बास्केट है, मैंने इसको लटका रखा है, अभी तो मैं उतार के वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ था, ये देखो ये ग्रीन नेट लगा रखी हूँ, और नीचे सूती कपड़ा भी डाल रखी हूँ कि पानी कम लगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी तरफ थोड़ा पानी की कमी है, तो मैं बहुत हिसाब से पौधा लगाती हूँ कि पानी भी मेरा कम लगे और मेरे पौधे चल भी जाएं, क्योंकि बहुत सारे पौधे होते हैं ना, हम एक आदमी के लिए तो गुजारा अच्छा है, उसके बावजूद अगर आपके पास ढेर सारे पेड़ पौधे हैं तो फिर पानी की कमी है। देखो आज मैं ये लगाऊंगी, ये पर्पल हार्ट का पौधा है, ये कटिंग करके लाई हूँ मैं तोड़ के, जैसे कि ये वाला मैं लगाई थी, देखो ये वाला, ये लग चुका है और ये मैं आज लगाऊंगी। आपको कहीं से भी मिल जाए, एक छोटी सी कटिंग कहीं से भी मिल जाए तो आप ले आओ, और ले आके छोटी सी कटिंग
लगा लो। ये मैंने, आप रूटीन हार्मोन से भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। ये वाला वैसे ही लगाई थी, देखो लग गया। और इसमें मैंने दालचीनी पाउडर लगाया है, दालचीनी पीस के और उसी का पाउडर से मैं पौधा ज़्यादातर लगाती हूँ, या तो एलोवेरा से लगाती हूँ, और नहीं कुछ होता तो मैं ऐसे भी लगा देती हूँ, लग जाता है। थोड़ा लेट लगता है लेकिन लग जाता है, इससे थोड़ा जल्दी लग जाएगा। तो आप क्या करो, बस गमला तैयार कर लो अपना। गमला तैयार करके बस हल्का सा ऐसे होल करो, किसी स्टिक से कर लेना आप। मेरी तो आदत बनी हुई है, ऐसे लगा लेती हूँ, मर्ज़ी है आपकी। और देखो बस इसमें ऐसे टच कर देना है। इतना अच्छा पौधा है, इसका पर्पल पर्पल हार्ड नाम है, और इतना अच्छा पौधा है, इतनी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। आपका बास्केट दूर से भी कोई देखेगा ना, अगर लटका हुआ बालकनी में, तो बहुत खुश हो जाएगा। अब मर्ज़ी आपकी है, आप अपने बालकनी में लटकाएं, मर्ज़ी आपकी है, आप अपने घर के अंदर रखो। ये आउटडोर इंडोर दोनों ही है, लेकिन आउटडोर ज़्यादा दिन तक मत रखना इसको, बीच बीच में इसे धूप दिखाते रहना। कोई भी पौधा हो, सब पौधों को धूप की तो देखो ज़रूरत पड़ती ही है। तो ऐसे करके लगा लो, कितने आसानी से लग रहा है, देखो क्या कठिनाई है, कुछ भी नहीं है। पौधा ज़रूर लगाओ, 4 गमले लगाओ, 6 गमले लगाओ, 2 लगाओ, 1 लगाओ, ज़रूर लगाओ। मैं तो यही सलाह देती हूँ कि पौधा ज़रूर लगाओ। पौधा लगाने से ना, एक तो देखो हवा हमें अच्छी मिलेगी, और फिर इस बहाने से हमें छत पे या बालकनी में या गार्डन में कहीं भी बैठने का मन करेगा। ऐसे लगेगा हमने अपने हाथों से लगाया, ज़रा उसको देख के आए, देखें तो सही कितना बड़ा हुआ है। जब उसमें फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। खरीदे हुए में और अपने हाथ के में बहुत फ़र्क है, इसलिए पौधा अपने हाथ से लगाओ, आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो अभी फ्री का प्लांट मेरा तैयार हो गया, इसमें मेरे कोई 1 रुपया भी नहीं लगा, ये कटिंग से ही तैयार हो गया। तो एक कटिंग कहीं से भी लेके आओ आप, और एक कटिंग से देखो आपका गमला ऐसे भर जाएगा, और कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देखो लग रहा है या नहीं लग रहा है, कैसा लगा जरूर बताना। थोड़े बड़े बड़े लगाए हैं मैंने, वैसे तो छोटे छोटे लगा लेने चाहिए, जैसे कि ये लगाई थी छोटी छोटी, और ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए, लेकिन मैंने ये जानबूझ के बड़े बड़े लगाए हैं, थोड़ा ये लटकेंगे ना फिर। तो ये हैंगिंग बास्केट है, आप इसको कहीं भी हैंग कर दो। इसमें देखो चैन लगा हुआ है, ये देखो ये चैन लगा हुआ है, इसको कहीं भी ऐसे करके हैंग कर दो, आप कहीं भी हैंग कर दो, बालकनी में कर दो, या छत पे आपने अगर बना रखा है लटकाने के लिए कुछ पाइप वाइप लगा रखे हो तो उस पे कर दो। तो इस तरीके से आपका गमला तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बस एक कटिंग कहीं से ले आओ, एक कटिंग से ही आपका काम हो जाएगा, ढेरों भर जाएगा। ये तो मेरे पास था तो मैंने इतने लगा दिए, और जब पहले शुरू में नहीं थे तो एक कटिंग से ही मैंने इतना सारा कर लिया, सिर्फ एक कटिंग से। आप सोचो ये मनी प्लांट का एक कटिंग लगाई जाती है, एक कटिंग से देखो कितने सारे हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब ये ढेर सारे हो जाएगा, नीचे तक लटक जाएगा, है कितना सा देखो, ये छोटा सा है, ये देखो इतने छोटे में ग्रो करना कितनी अच्छी बात है। आप ये मत सोचो कि मैंने लगा लिया तो आप नहीं लगा पाओगे, लगा पाओगे, कोई भी लगा पाएगा, इसको लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, कुछ नहीं करना है, बस कटिंग लो मनी प्लांट के। देखो जब कटिंग आप लेना तो ऐसे लेना जिसमें ऐसे निकला हुआ हो, और बस यहाँ से कट करो इसको, और कट करके इतना मिट्टी में दबा दो, इतना मिट्टी में दबा दो, आपका पौधा तैयार, ऐसे तैयार हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये तैयार हो जाएगा। तो पौधे लगाते रहो, देखो उधर मैंने लगा रखा है स्नैक्स का, कितना खूबसूरत है ना ये भी, ये देखो। तो बालकनी के लिए तो ये बहुत अच्छा है सुझाव कि आप इस तरीके से पौधा लगाओ, ऐसे गमलों में लगा लगा के, हैंगिंग बास्केट में लगा लगा के टांग दो, जगह कम है तो भी टांग दो। अब हमारे पास तो खैर जगह तो है ठीक, लेकिन जो है ना पौधे बहुत हैं, एक के ऊपर एक गमला मुझे लाद के रखना पड़ता है, बहुत पौधे हैं,
अब जैसे कि ये ही है पौधा, तो इसमें का कम से कम 10-12 गमले हैं। मनी प्लांट हैं तो ये भी 20 गमले हैं। अब ये हैं तो ये भी कई सारे हैं। अब जैसे कि ये है तो ये भी कई सारे हैं। तो ऐसे करके ढेर सारे हो जाते हैं। जब आप पौधा लगाओगे ना, आपको इतना शौक हो जाएगा कि ढेर सारे लगा लोगे आप पौधा। पौधा लगाया करो, एक दूसरे को दिया करो, गिफ्ट में यही दिया करो, बहुत अच्छी बात है। ये प्लास्टिक का पॉट है, हैंगिंग बास्केट है, और ये देखो ये लोहे वाला है। तो इसके नीचे ना आता है बना हुआ इसमें रखने के लिए, लेकिन मैं वो लेके नहीं आई थी, मैंने ऐसे करके लगा दिया। तो अच्छी बात है, जितनी बचत हो जाए उतनी अच्छी बात है। और हो गया मेरा काम, जैसे उसमें ग्रो होता वैसे इसी में इसमें भी ग्रो हो रहा है, और मेरा मनी प्लांट ही लग चुका है। तो आप खुद देखो, अगर आपके पास कम जगह है तो ये आपके लिए वाकई में वीडियो बहुत अच्छी है। आप खुद देखो, एक प्लांट ही है, एक प्लांट ही है, एक प्लांट ही है, एक गमले में 3 प्लांट है और तीनों ग्रो कर रहे हैं। तो ज़्यादा जगह नहीं है तो ये कितनी अच्छी बात है, एक ही में 3 प्लांट है। ये भी इंडोर भी रख सकते हो आप, इंडोर प्लांट है ये, आउटडोर इंडोर इच्छाएँ में हो जाता है, बहुत अच्छा है ये। तो इस तरीके से लगा लो, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह हो, बहुत सारा मतलब गमला हो तभी हमारा पौधा लगेगा, ऐसा नहीं कुछ है। अगर शौक आपके पास होगा तो देखो इस तरीके से बना लो, आप ये सोचो मिनी गार्डन बन गया। अभी कितना अच्छा है, कहीं भी हैंग कर दो, अगर हैंग करना है तो हैंग कर दो, और नहीं तो ऐसे कहीं रख दो, रेलिंग पे रख दो, या जगह है छत पे तो छत पे रख दो, जहाँ आपके पास जगह हो वहाँ पे रख दो। तो पौधा ज़रूर लगाओ। और देखो ये पर्पल हार्ट कितनी आसानी से लग गया, ये बहुत जल्दी से ना पूरा ये पूरा बास्केट भर लेगा, ये पूरा एकदम भर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा जब ये भर जाएगा ना, जब आप देखना इसको, बहुत अच्छा लगेगा। ये नीचे लटका हुआ, इसमें ना पर्पल कलर के फूल आते हैं, देखो अब इसमें अभी दिखाती हूँ, फूल आने वाला है इसके अंदर, ये ऐसे बन जाएगा इसके ऊपर, फिर इसमें से पर्पल कलर के फूल आएंगे। तो फ्लावरिंग भी करता, छोटी छोटी सी पिंक कलर के फूल होते हैं, पिंक पर्पल मिक्स। तो देखो ये भी लग गया ना, अब ये भी लग जाएगा, इसको कहीं मर्जी टांग दो, इसको भी मैं टांगती हूँ, ऊपर टांग के रखती हूँ। कितना छोटा सा है, आप खुद देखो कितना छोटा सा है, उसी में लगा हुआ है। इसके नीचे वाला हिस्सा ही ये रहा, इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है। तो मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, छोटे छोटे से कुछ भी मुझे मिल जाए, डिब्बा मिल जाए, बोतल मिल जाए, गमला मिल जाए, सब में लगा लेती हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास गमला नहीं है, देखो गमला भी मेरे पास भरपूर है, ये देखो कितने सारे गमले हैं। तो मैं गमले में भी लगा सकती हूँ, ज़रूरी थोड़ी इतने बड़े बड़े में लगाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है। गमले में भी लगाओ, इसमें भी लगाओ, जैसे आपके पास जगह है वैसे लगाओ। अब ऐसे लगाने से ये है कि हमारे बीवर जो है ना, काफ़ी ऐसे लगाने लग गए हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना कि छोटे में भी लग जाता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता छोटे में प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा, तो इस डर से वो इतने बड़े बड़े गमले मतलब कि लाते हैं और फिर उनमें लगा लेते हैं। नहीं चल जाएगा, आप लगा के देखो चल जाएगा, बस पानी का ख्याल रखना। पानी जब ही डालो मनी प्लांट में, जब आपका पूरा एकदम सूख जाए, और नहीं तो आपका मनी प्लांट सड़ जाएगा। किसी भी पौधे में पानी जब डालो, जब आपका गमला देखो कि पूरा सूख गया है। पहचान करने का तरीका ये है कि आप कैसे पहचानेंगे, मिट्टी को यूँ उठाओ और उठा के मिट्टी को ऐसे करके देखो गीला है या सूखा है। तो जब सूख जाएगा तो भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी, और पत्ते भी ना ये लीव्स जो हैं ये थोड़े सुकड़ जाएंगे कि पानी इन्हें चाहिए, तब इसमें पानी डालो। ये तो मैंने अभी डाल रखा है, और बारिश भी हुई है आज, दिल्ली में खूब बारिश हुई है तो उसकी वजह से मेरी मिट्टी गीली है। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, इस पौधे को भी पानी की बहुत कम ज़रूरत है, बहुत कम ज़रूरत है। 2-4 दिन पानी ना भी दोगे, 10 दिन तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना अच्छा पौधा है। बाकी मनी प्लांट को तो पानी चाहिए होता है, इस पे टाइम टाइम से पानी देना पड़ता है, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मनी प्लांट लगाओ, पर्पल हार्ड लगाओ, और भी जो पौधे हैं स्नैक्स हैं वो लगा लो। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। मैं नई नई जानकारी लाती रहती हूँ।
और मैं लगा के भी दिखाती हूँ, सिर्फ ये नहीं कि वीडियो घुमाया ऐसे करके और फिर दिखा के और हट गए और माली से काम करा रहे हैं और वीडियो घुमाया दिखा दिया, नहीं मैं लगा के दिखाती हूँ, इसलिए वीडियो मेरा पूरा देखा करो, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह पौधा लगाना है और कितनी अच्छी पौधा मतलब कि लगा के तैयार करके दिखाती हूँ। देखो कितना अच्छा इसमें भी मनी प्लांट मेरा हो रहा है, तो मुझे लटके हुए से ज़्यादा ना ऐसे भरा हुआ अच्छा लगता है। ये भी लटकेगा तो मैं काट दूंगी, थोड़ा थोड़ा लटका के काटूंगी, थोड़ा ऐसे इतने नीचे नीचे लटक जाएंगे तो टांग दूंगी मैं इसको, टांगने की जगह है हमारे पास। तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।